गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मिल्टन बेड या रेजिन स्टरलाइजेशन। तो आयन एक्सचेंज रेजिन बेड्स आर ऑफन एन अट्रैक्टिव ग्रोथ मीडियम फॉर बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, मोल्ड, एलर्जी। इन सम केसेस दीज ग्रोथ कैन बी बिल्ड अप इन द रेजिन बेड एंड फिजिकली फॉल द रेजिन। जब हम आयन एक्सचेंज रेजिन के द्वारा वाटर को सॉफ्ट कराते हैं तो बेड पर बैक्टीरिया, मोल्ड और एलर्जी जो है वो डिपोजिट हो जाते हैं, जिससे कि वो रेजिन फिजिकली फॉल हो जाता है। इन मोस्ट केसेस हाउएवर द कंसर्न इज डेट दीज ऑर्गेनिज्म विल कॉन्टामिनेट इफ्लुएंट वाटर लिविंग द आयन एक्सचेंज सिस्टम। और जब हम वाटर को सॉफ्ट करते हैं तो उस केस में कॉन्टामिनेट वाटर में एड हो जाते हैं। माइक्रोबेब्स फीड ऑन ट्रेस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रेट एंड अमोनिया डेट आर एब्जॉर्ब ऑन कंसनट्रेट बाई आयन एक्सचेंज बेड। इस तरीके से नाइट्रेट और अमोनिया जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं और जो आयन एक्सचेंज प्रोसेस को प्रभावित करती हैं। देयरफॉर आयन एक्सचेंज यूनिट दे रन फॉर लॉन्ग पीरियड। इस केस में लॉन्ग पीरियड के लिए हमें माइक्रो बायोलॉजिकल ग्रोथ को रीजनरेट कराने की आवश्यकता पड़ती है। ये जो है बेड से माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ ना हो तो उसके लिए हम कुछ प्रोसेस अप्लाई करते हैं। इट कैन बी अचीव्ड बाय एक्सट्रैक्शन स्टेप, बैक वॉशिंग, रीजनरेशन और रिंच। इसमें हम वाटर को टॉप से डालते हैं, उसके बाद ट्रीटेड वाटर हमारा बॉटम से निकल जाता है और बैक वॉश वाटर को बॉटम से सेंड करते हैं और जिससे हमारा रेजिन का एरिया बढ़ जाता है। सस्पेंडेड सॉलिड टॉप से निकल जाते हैं। और तीसरे केस में क्या करते हैं, फ्रेश रेजिडेंट को इंटर कराते हैं और स्पेंड रेजिडेंट हमारा बॉटम से निकल जाता है। और रिंच में वाटर की सहायता से वॉश करते हैं और वेस्ट हमारा बॉटम से निकलता है। तो ये चार स्टेप थे, एक्सट्रैक्शन स्टेप, बैक वॉशिंग, रीजनरेशन और रिंच। द बेसिक स्टेप एंड रीजनरेशन साइकिल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। पहला है बैक पैस, इट बी रिमूव सस्पेंड सॉलिड एंड रीडिस्ट्रीब्यूट कॉम्पैक्ट रीजन बेड्स, रीजनरेट इंजेक्शन, रीजनरेट डिस्प्लेसमेंट और चौथा रिंच। रीजनरेशन इज ए प्रोसेस डेट टेक आयन एक्सचेंज रीजन बीड्स डेट आर एक्सेट। जब वो पूरा बेड जो है भर जाता है तो उस केस में हम आयन को रिमूव करते हैं ड्यूरिंग दी साइकिल। रीजनरेशन ऑफ आयन एक्सचेंज रीजन इन्वॉल्व मल्टीपल प्रोसेस। इसमें जो है मल्टीपल प्रोसेस यूज होती है, जैसे कि बैक वॉश और केमिकल इंजेक्शन। तो ये हमारा आज का टॉपिक था मिल्टेड बेड और आयन एक्सचेंज स्टरलाइजेशन। आगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।